हेलो गाइस, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल मामा मिया व्लॉग्स में। आज के हमारे ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर अलीशा जी की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि उनके पास एक 4 शेड्स वाली, 4 शेड्स वाली प्लेन साड़ी है और उसके साथ वो क्या कर सकती है। कि आज की ये वीडियो मैं सिर्फ शेडेड साड़ीज के लिए रखती हूँ, उसी पे बनाती हूँ, उसी के बारे में आपके साथ कुछ एक डिजाइन शेयर करती हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ शेयर करने वाली हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके की साड़ी है। जो भी आपकी शेडेड साड़ी है उसके अंदर कितने शेड्स हैं, लाइक 2 शेड्स हैं, 3 शेड्स हैं, 4 शेड्स हैं, मल्टी शेडेड हो जाती है साड़ी जो 3 शेड से ऊपर होती है। अब 2 शेड्स भी जो है वो लाइक एक के नीचे दूसरा है या ऊपर और नीचे का वो है। मेरे पास एक साड़ी थी अपनी, जो शेडेड साड़ी जो मैंने एज अ स्पेसिमन आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, ये देखिए ये साड़ी है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास इधर ये नीचे बॉटम में ये डार्क शेड है और ये अपर पार्ट में। इस तरीके की अगर आपकी साड़ी है तो किस तरीके के डिज़ाइंस आप कैरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नीचे स्कर्ट, बाकी साड़ी से आपको एक स्कर्ट डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, आप प्लाजो बनवा सकते हैं, लेकिन ऊपर इससे आप इस तरीके से इस साड़ी के अंदर ये दोनों चीजें फ्रंट पे लाते हुए हमारा इस तरीके से फ्रंट पे लाते हुए आप एक अपर योग तैयार कर सकते हैं। ये चीज आपकी, ये पैटर्न आपका फ्रंट पे आ जाएगा। ये तो बात हुई उन साड़ीज की जिनके ऊपर और नीचे अलग शेड है। अब हम बात करते हैं उन साड़ीज की जिनके एक के बाद दूसरा नीचे शेड्स जाते हैं। तो वो साड़ी जिनके अलग अलग शेड्स होते हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इन साड़ीज के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी साड़ीज बहुत खूबसूरत बनती है जब हम उनकी ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। लाइक आपकी साड़ी में आप उसके लिए एक गाउन डिज़ाइन करवा सकते हैं, बट उस तरीके के गाउन्स में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तीनों ड्रेसेस हैं इसके अंदर क्या किया गया है। इसमें अलग योग होता है और नीचे जो आपका फ्लेयर होता है उसके अंदर गेदर्ड प्लीट्स या फिर नॉर्मल प्लीट्स, इन दोनों तरीके की प्लीट्स आप डाल सकते हैं। आप एक कलीदार अनारकली या कलीदार लॉन्ग ड्रेस नहीं बना सकते शेडेड साड़ी से, बट योग अलग करके और नीचे का फ्लेयर एरिया अलग करके आप एक बहुत अच्छी ड्रेस स्टाइल अप कर सकते हैं। आप चाहे तो प्लेन गाउन रहने दें उसे, लेकिन उसके अंदर और एलिगेंस ऐड करने के लिए आप उसके साथ छोटे श्रग्स बनवा सकते हैं। आप कोई सा भी मटेरियल अपना बाय कर सकते हैं जो थोड़ा वर्क वाला हो, नहीं तो अगर आपकी पहले किसी साड़ी जो आपने यूज़ की हो, जिसकी ड्रेस बनवाई हो, उसका कोई बॉर्डर एरिया पड़ा हो जो उसके साथ मैच करता हो, आप उसका एक छोटा श्रग बनवा के स्टाइल अप कर सकते हो, पेयर अप कर सकते हो उसके साथ। वो श्रग मल्टीपर्पज होते हैं, आपके और भी चीज़ों में काम आ जाएंगे। तो ये तो आइडिया है हमारा, मैंने जो आपको दिया लॉन्ग ड्रेसेस के लिए, श्रग के साथ एनहांस हो जाता है उसका लुक। अब इसके लिए आप, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें एक आपको लहंगा ड्रेस भी बताई थी, अगर नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट कीजिए मेरी उन वीडियोस को। तो उसके अंदर मैंने आपको एक लहंगा ड्रेस बताई थी, आप उसी तरीके की लहंगा ड्रेस प्लीटेड बनवा सकते हैं। ब्लाउज साड़ी का आपके पास ऑलरेडी होगा और नीचे बिल्कुल आप उसका जो फ्लेयर एरिया है उसको आप बिल्कुल प्लीट्स डाल के स्कर्ट की तरह बनवा सकते हैं और उसके साथ आप कोई भी दुपट्टा पेयर अप कर सकते हैं। अब आ जाती है बात हमारी, मैंने एक आइडिया जो आपके साथ शेयर करूंगी, ये मेरा नया आइडिया नहीं है, ये मेरा एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था जो कि आपकी वीडियो, आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो के बाद मुझे याद आया कि आई कैन शेयर दिस विद यू। इसमें मैंने ये अपनी शेडेड साड़ी से इस तरीके का या अनारकली डिज़ाइन करवाया था। ये नया नहीं है, मेरा पुराना है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कितने कलर्स हैं, ये भी नीचे से ऊपर अलग कलर्स में जा रहा है।
मजेंटा ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन था। ये मेरी भी साड़ी प्लेन थी लेकिन इसके पल्ले पे वर्क था मेरे पास। तो मैंने क्या किया इसका कि कलियां कटवा के, इसकी कलियां कटवा के और इसको आपस में स्टिच करवाया, प्लस इसका जो योक एरिया था उस पर, अगर आप देख पा रहे हो, ये ऊपर से सिलाई की हुई है। ये जो चीज़ है ये ऊपर से लगाई गई है। ये मेरा पल्ले वाला एरिया था जिसके ऊपर पल्ला जो था इसका नेक के ऊपर था और उसके ऊपर ये वर्क था। तो जो वर्क वाला एरिया था उसे मैंने यूज़ किया है, उसे मैंने फ्रंट में और ऐसे ही बैक में, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये सिलाई ऊपर की गई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसका लुक वो करा गया। और आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो इस तरीके के जो नेक्स होते हैं ये आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये छोटा था तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लेकिन मुझे लगा कि अगर ये लगाने से इसका लुक थोड़ा सा और एनहांस हो जाएगा, तो मैंने ये किया हुआ है। अब मेरी उस साड़ी में जो भी बॉर्डर था उसको एज इट इज मैंने यहाँ पर नीचे बॉटम में लगवा दिया था इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अनारकली रेडी हो गया था। आप इस तरीके से भी अपना स्टाइल अप कर सकती हैं अपने साड़ी को। और अगर आप चाहें तो, मैंने तो ये योक मेरे पास अवेलेबल था, मेरे पास पल्ले में कपड़ा था तो मैंने लगा लिया। अदरवाइज वही सेम चीज़ अगर कोई पुरानी साड़ी का या किसी का पल्ला या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पीस या ब्लाउज पीस या फिर कोई ऐसा पुराना ब्लाउज आपके पास हो जो ब्रोकेट वगैरह का हो, तो उसको भी अगर आपका कलर उसके साथ कंट्रास्ट में जा रहा है तो आप ऐसे उसे स्टाइल अप कर सकते हैं। और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाजू मैंने अपने उसी पल्ले की, जो नेट वाला पल्ला था मेरा, मैंने उसी से बनवाई थी। तो इस तरीके से ये मेरा एक अनारकली रेडी हो गया था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा ये रीयूज आइडिया। अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर में जो शेडेड साड़ी है आपकी पूरी की पूरी एज इट इज यूज हुई है, लेकिन इसके नीचे जो है उस चीज को आप प्लेन कपड़ा लेकर ही बनवा सकते हैं। बैक एरिया में आपका वही चल जाएगा, लेकिन फ्रंट के लिए आपको थोड़ा सा कपड़ा जो है मैचिंग आपको लेना पड़ेगा। प्लीट्स इसकी नेक से चल रही है और ओवरलैप करता हुआ इसका फ्रंट एरिया है। तो ये भी बहुत यूनिक स्टाइल है, एक फ्यूजन क्रिएट करता है ये। और मुझे तो फ्यूजन वाली ड्रेसेस ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए इस तरीके की ड्रेसेस को, एंड आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि जो फ्यूजन क्लोथ्स होते हैं या फ्यूजन टच होता है हमारे क्लोथ्स में, वो एक बहुत अलग ही तरीके का हमारा जो आउटलुक होता है वो क्रिएट कर देता है। और ये आपको भी बहुत पसंद आएगा अगर आप एक बार ट्राई करेंगे। और अगर आप ट्राई करते हैं तो आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अब मेरी एक और सब्सक्राइबर है सरिता जी। सरिता जी, आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आपने मुझे कहा था कि नेट का जो मैंने लहंगा बताया था, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट था नेट के लहंगे वाला, उसको एक बार फिर से बता दूं आपको। तो उसके लिए मैंने अपनी एक और साड़ी निकाली है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। हालांकि ये साड़ी उतनी हैवी नहीं है जितनी मेरी वो लहंगे वाली थी, बट स्टिल शायद मैं समझा पाऊँ आपको। इस तरीके से इस साड़ी में ये मेरा पल्ला है और बाकी पूरी साड़ी मेरी इस तरीके से है। लाइक इसमें मेरे पास नीचे इतना बड़ा जाल नहीं है जो मेरा उस साड़ी में था। तो अगर एक आइडिया के लिए ही बस मैं आपको बता रही हूँ, अगर जाल हो तो बहुत परफेक्ट है, बहुत बहुत अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके की साड़ी में आपका जो ये वाला पल्ला बिल्कुल अलग हटवा लेंगे इस पल्ले को। ब्लाउज आपके पास ऑलरेडी होगा अपना, और इसको आप हटवा लीजिएगा और जो बाकी का कपड़ा है उसका प्लीटेड आपका एक स्कर्ट तैयार हो जाएगी लहंगे के लिए। आप चाहें तो आपके पास अगर नेट की साड़ी है तो ऑब्वियसली नेट की साड़ी के साथ जो हमारा पेटीकोट होता है वो सैटिन का होता है, तो सैटिन का पेटीकोट ही आप उसके साथ यूज करवा सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बजट में नहीं जाना चाहते और आपका टेलर थोड़ा अच्छा तरीके से जानता है इस चीज़ को, तो वो आपका एडजस्ट कर देगा उसके अंदर ही, उसी के ऊपर ही आपका एक लहंगा क्रिएट कर देगा। बट ये जो अगर आपको ज़्यादा घेर वाला चाहिए तो ऑब्वियसली आपको वो कपड़ा अलग से लगवाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो आपका ये वाला एरिया था मेरा इस तरीके से मेरा पल्ले का,
इसको मैंने अपने दुपट्टे के बॉर्डर्स पे लगाया था, मैंने अपने दुपट्टे के बॉर्डर्स पे लगाया था। मैं आपको एक बार फिर से अपना वो लहंगा दिखाना चाहूँ, ये देखिए अगेन, इस साड़ी में मेरे पास नीचे बॉर्डर था, तो इसलिए मेरी ये प्लीटेड स्कर्ट तैयार हो गई, जिसके अंदर जो प्लीट्स हैं वो मेरी गैदर्ड प्लीट्स हैं। और इस तरीके से हैवी बॉटम होने का फायदा हो गया मुझे कि मेरा लहंगा बहुत सुंदर बन गया। अब जो मेरा जो पल्ले वाला एरिया था उसको मैंने अपने दुपट्टे पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ये चीज लगवाती थी, ये दुपट्टे पर दोनों तरफ ये मेरी अटैचमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। तो इस तरीके से आप भी अपने साड़ी का पूरा जो यूज है वो कर सकते हैं। ब्लाउज तो एज इट इज काम आ जाता है, आपको जो भी खर्च करना होता है आपके दुपट्टे और लहंगे पर होता है। तो इस तरह साड़ी बिल्कुल यूज हो जाती है आपकी। तो प्लीज इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी साड़ी को पूरा यूज कर सकते हैं, नेट की साड़ी को। और अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट अप्लाई करना चाहूंगी फैशन एंड फ्यूजन को, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी ये ड्रेसेस खुद बनाती हूँ या उन्हें स्टिच करवाती हूँ। तो इसके रिप्लाई में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टिचिंग का मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैंने स्पेशल कुर्ती बनाना और ब्लाउजेस अलग अलग तरीके के बनाना ही मैंने सीखा था। बट क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता तो मैं नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं बुटीक से स्टिच करवाती हूँ। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में अपने सब सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फार्मासिस्ट बट लैंडेड अप एज अ बिजनेस वूमन। अब आप सोचेंगे कि कितना डिफरेंस है। ऑब्वियसली जब मैंने फार्मेसी की मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने अपने जो लाइफ का बहुत बड़ा जो लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड मैंने अपने बच्चों को बड़ा करने में बिताया। तो अभी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 5-6 years ago आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑनलाइन सेलर। मेरा अपना ब्रांड नेम है trendila.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज जो सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी वो ये थी कि आप लोग का जितना प्यार और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, लाइक आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना प्यार मुझे मिल सकता है या इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल सकता है आप लोग का। तो वो चीज़ जो है उसके लिए मैं अपने एज अ ग्रेटिट्यूड फीलिंग मैं गिव अवे करना चाहती थी आप लोगों के साथ। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप इंटरेस्टेड है मेरी ये जो मामा मिया फैमिली है उसके लिए मैं ये गिव अवे करना चाहती हूँ ऑन 500 सब्सक्राइबर्स। ऑब्वियसली पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे 250 पे करूंगी, बट जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये काफी ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 500 सब्सक्राइबर्स पे करूँ, बट उसके लिए भी मैं आपसे आपका ओपिनियन मांगती हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे मेरे इस गिव अवे के लिए। कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में सिर्फ हाँ या ना बताइए कि मैं ये करूँ या ना करूँ। और उसके बाद आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कीजिए जो मैंने दिया है, उस पर आप मेरे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मैं जितने भी आपके बड़े शॉपिंग पोर्टल्स हैं उन पर एज अ सेलर, एज एन ऑनलाइन सेलर मैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ। तो ज्वेलरी कैटेगरी में मैं डील करती हूँ कंटेम्प्रेरी एथनिक एंड फैशन। ये मेरी एक हॉबी हुआ करती थी ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि मेरा प्रोफेशन बन गई। और स्टाइल अप करना अपने कपड़ों को ये मेरा एक पैशन हुआ करता था, जिसको आप लोग मेरा बाहर लेकर आ रहे हैं। मैं इसका सारा क्रेडिट पूरा क्रेडिट आप सबको देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ योर लव। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, बिकॉज आपका ये कनेक्शन मेरे साथ मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे बहुत एनर्जी देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई ऑल द वीडियोज एंड आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।